एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, हमने कहा कि निर्णय हमने किया, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है, हमने किया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की बड़ी खुशखबरी, सरकार का बड़ा फैसला, आपकी न्यूनतम पेंशन, प्रीमियम मेडिकल की सुविधा और हायर पेंशन को लेकर सरकार ने अभी अभी 5 मिनट पहले लाइव आकर के कर दिया बड़ा ऐलान। अगर आपकी भी एज 58 साल से अधिक है तो ईपीएस के जो पेंशन धारक है वो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, आपके लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी पेंशन से जुड़े 3 बहुत बड़े नए नियम जारी कर दिए गए, जिसके अनुसार आपकी पेंशन अब आपको कितनी मिलेगी, जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है उसमें कितनी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही फ्री में मेडिकल की सुविधा के लिए कौन से नए नियम शर्तें जारी होगी जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी और पेंशन धारक उनको उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन है वो आपको कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आगे जानने को आपको मिलेगी। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रख देना ताकि नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती है उससे जल्द 7500 प्लस डीए को लेकर सहमति बन सकती है, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं जारी है, श्रम मंत्रालय का आश्वासन भी मिला है। बात करें प्रीमियम मेडिकल की सुविधा और हायर पेंशन का भी साथ में चर्चाएं हो रही है, तो 7500 प्लस डी के पेंशन है उसके साथ में ये आपके आने मांगे वो भी स्वीकार हो जाएगी, तो फिलहाल अभी तक स्वीकार नहीं की गई, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि जल्द इस महीने के अंत तक आपके पेंशन को लेकर ये ऐलान हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिली है कि फिलहाल ऐसा सुप्रीम कोर्ट और सरकार से और ईपीएफ से घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है।